लॉकडाउन के दौरान अवरुद्ध रहे विकास कार्य अब होंगे शुरू। निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने 80 वार्डों के लिए 10-10 लाख रुपए की स्वीकृति। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से जहां सभी कार्य अवरुद्ध रहे, वहीं नगर निगम का नया बोर्ड बनने के बावजूद भी किसी भी वार्ड में विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए। अब जब अनलॉक के तहत गाइडलाइन 4.0 में कुछ राहत मिली तो अजमेर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 80 वार्डों के अंदर सड़क नाली के आदि के लंबित पड़े कार्य फिर से शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए गुरुवार को नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अजमेर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले समस्त 80 वार्डों के लिए पार्षदों की अनुशंसा पर 10-10 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। महापौर ब्रजलता आड़ा ने बताया कि नगर निगम में पहले 60 वार्ड हुआ करते थे, पर इसमें के बाद अब 80 वार्ड हो गए हैं। सभी पार्षदों को वार्डों के अंदर सड़क नाली के कार्य कराने हैं। इसके लिए उनके द्वारा की गई अनुशंसा पर जल्द ही एक दो दिन में 10-10 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, ताकि हर वार्ड में विकास के कार्य शुरू हो सके और आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, इसके लिए नगर निगम में कार्य योजना बनाई जा रही है। सभी जो हमारे वार्ड के 80 पार्षद हैं, उनके जो विकास फंड के लिए जो टेंडर हुए थे, तो उनके वर्क ऑर्डर जो है अब एक दिन में जारी हो जाएंगे। और सभी पार्षदों के कार्य विकास जो कार्य है, नाली वगैरह बनाना, वो सब शुरू हो जाएंगे। और ये सभी काम हमने पार्षदों की अनुशंसा के अनुसार ही करे हैं, तो एक दिन में शुरू हो जाएंगे। ये 10-10 लाख के इनके वर्क ऑर्डर हैं, तो 10-10 लाख अभी शुरू करवाएँ।